क्या आपके पेशाब के साथ में वीर्य गिरता है? जब आप पेशाब करते हैं तो कतरा कतरा टूट टूट के बाहर आता है, या फिर बिना कुछ करे ही आपके लिंग में से चिपचिपा पानी गिरता रहता है? इसे दोस्तों धातु रोग कहते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा ये धातु रोग क्यों होता है और कैसे 7 दिन के अंदर धातु रोग को आप हमेशा के लिए जड़ से समाप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म अरविंद मेरा साथी में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। धातु रोग दोस्तों आज के टाइम पे सबसे ज्यादा नॉर्मल है। 15-16 साल के लड़के हों या लड़कियां हों, ये सभी को होता है। शादी होने से पहले भी, शादी होने के बाद भी, और 50 साल की उम्र में भी दोस्तों होता है। बिना कुछ करे ही जब हम किसी के बारे में सोच रहे होते हैं या फिर हम पेशाब कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है पेशाब के रास्ते कुछ जा रहा है, कट 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 करके जा रहा है, यानी कि कुछ टुकड़ा टुकड़ा जा रहा है। पता है ये आपका वीर्य का वो हिस्सा होता है जो बेवजह ही बिना कुछ करे ही आपके लिंग के रास्ते बाहर जा रहा है। ये शरीर की दोस्तों वो ताकत है जो बिना कुछ करे ही नष्ट हो रही है। हस्तमैथुन करें या धातु रोग हो दोस्तों बिल्कुल एकदम बराबर है। आप सोचते हैं कि मैं हस्तमैथुन तो नहीं कर रहा हूं लेकिन धातु रोग हो रहा है, यानी कि धात आपकी निकलती जा रही है, निकलती जा रही है, निकलती ही जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो मैं आपको बता देता हूं, आपका दोस्तों कभी भी शरीर पनप नहीं पाएगा, आपके चेहरे पर रौनक नहीं आ पाएगी, आपके चेहरे पर चमक नहीं आ पाएगी और आपकी जो चेहरा है वो चुसा हुआ आम हो जाएगा और शरीर तो बिल्कुल कमजोर होगा या पतला हो जाएगा। स्पेशली इसका साइन होता है आंखों की रोशनी का कम होना, विजन का गड़बड़ाना, जब आप खड़े होते हैं तो चक्कर आना, या फिर कमर में दर्द होना, या फिर ज्यादा देर तक खड़े ना हो पाना, या फिर बेवजह ही चिड़चिड़ापन होना, आलस से भरा रहना। और बहुत ज्यादा आलस रहता है दोस्तों, इतना आलस रहता है कुछ भी करने का मन नहीं करता है, मन बिल्कुल उदास रहता है, ये दोस्तों धातु रोग कहलाता है। तो हम इसको कैसे 7 दिन के अंदर जल्दी से समाप्त कर सकते हैं हमेशा के लिए, ये नुस्खा अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपनी सोच को बदलना है, गलत विचार आपके मन में नहीं आना है, मन अपना मजबूत करना है, सही विचार लाना है, काम करना है, जीवन में आगे बढ़ना है, पैसे कमाना है, लड़की के बारे में, पौन के बारे में, गंदे विचार के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने आप को बिजी रखो, किसी ना किसी काम में अपने आप को बिजी रखो, अच्छे काम में बिजी रखो, है ना। जितना आप बिजी रखोगे उतना आपको धातु रोग होने के दोस्तों कम चांसेस हैं। अब आपको क्या करना है जिससे आपको धातु रोग जीवन में आने वाले फ्यूचर में ना हो, और अगर आपको धातु रोग है तो वो कभी भी खत्म हो जाए, यानी कि 7 दिन के अंदर आपका धातु रोग खत्म हो जाए और जीवन में फिर कभी भी आपको धातु रोग ना हो पाए। आपको लेना है दोस्तों दूध, दूध गाय का ले लो, भैंस का ले लो, कोई भी ले लो। अब उसमें आपको लाना है खजूर, ठीक है, खजूर लेके आइए या छुहारा लेके आइए। अब उसको छोटा 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 टुकड़ा करके पका लीजिए दूध में डाल के, और उस दूध को रात को पीना शुरू कर दो। आप देखेंगे कुछ दिनों के अंदर मतलब कि 7 से 10 दिन के अंदर आपका जो वीर्य है वो गाढ़ा हो जाएगा, बेवजह जो कतरा कतरा पेशाब के रास्ते निकल रहा है वो आना बंद हो जाएगा, धात जो आ रही है जो आपको पनपने नहीं दे रही है उस पनपने में वो शक्ति प्रदान करेगा, आपको ताकतवर और बलवान बनाएगा। और जो बेवजह ही आपका वीर्य नष्ट हो रहा है बिना कुछ करे ही, चाहे वह हस्तमैथुन के जरिए हो रहा है, चाहे वो धात के जरिए हो रहा है, बिना कुछ करे ही आपका वीर्य बस टपक रहा है, वो टपकना दोस्तों बिल्कुल बंद हो जाएगा। आप इस नुस्खे के दोस्तों 7 से 10 दिन ट्राई करें और आकर दोस्तों कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको फायदा कैसा हुआ है। मैं इस बात को आपको वादा और दावा करता हूं कि 100% आपको दोस्तों फायदा होगा ही होगा, क्योंकि ये नुस्खा दोस्तों हजारों लाखों लोगों के ऊपर टेस्टेड है। हमारे नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं यदि आपको कोई भी धातु रोग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, गुप्त रोग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हमारे प्रोफेशनल टीम से आप बात कर सकते हैं फ्री में, उसका हम 1 रुपया भी चार्ज आपसे नहीं लेते हैं। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो काफी आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिए।